हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं मनी मिराज, मेरे साथ कैमरामैन शशि यादव के साथ। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। उस मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है, बहुत प्यारा गांव, जिनका नाम है गरखा। तो हम पहुंच चुके हैं इस गांव में और यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। और कई पार्टियों के नेता आते हैं और एक झूठा वादा करके चले जाते हैं। हो गया सर जी, एक बार फिर से बुदबुदाएल ना जाओ। तनी काहे करिया करिया बताई, बन नूर अलग हो, आवल ना जाओ। काहे के लिए आते हैं, झाट उखाड़ने के लिए आते हैं। संभाल के बात कीजिए, समझे? बोलने वाले का लूर नहीं है, रिपोर्टर बन गए हैं। हमारा आवाज यहीं पटा पटा के चल जाएंगे। इतन का नहीं खुला तो कभी हो गया, खुलता गया। हमारा अपने खेतों थे, हम कमा लेते हैं। बुला के लें, प्यार से आता हालांकि करी आ रहे हैं। अच्छा चलिए, आप गुस्साइए मत, चलिए फिर से कैमरा कीजिए, फिर से लेते हैं क्लिप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ मनी मिराज, कैमरा मैन शशि यादव के साथ। बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग पहुँच चुके हैं, जिस जिले में एक गाँव है, बहुत प्यारा गाँव गरखा। इस गाँव का हालात आप लोग देख कर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खराब है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात कराते हैं। तो कैमरा मैन आप फोकस कीजिए लगातार इस भाई पर। तो भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसी गांव के हैं? थोड़ा बुझा नहीं रहा है। मतलब आपसे पूछे हैं कि आप इसी गांव से हैं? हाँ। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ डायरेक्ट, है ना? तो कई पार्टियों के नेता आते हैं और आपके गाँव में बहुत सारे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इस गाँव में विकास नहीं हुआ और यहाँ सिर्फ मरई है, एक छत नहीं आप लोगों के पास। तो सीधा सवाल सरकार से है, ये सरकार है, आप सवाल कीजिए सरकार से। अरे क्या हुआ भाई साहब, बोलिए सरकार को कुछ। अच्छा साला, ये बस सरकार? और दिखाई। अब 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 भाई साहब, अरे ये सरकार थोड़ी है, अरे ये तो कैमरा मैन है। सीधे बोलिए कैमरा मैन। हेलो 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 सर, हाँ बोलिए। अरे भाई साहब, अरे कैमरा कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो बोला है बोलिए, यहाँ पे सरकार सुन लेगी आपकी बात। अरे भाई साहब, आपको जो बोला है बोलिए, सरकार सुन लेगी, आपका काम करेगी, सुनेगी। तो जब अगला आदमी बोले तब ना हम बोलेंगे। बोला है आपको, बोलना है? ओ चौथू समझ ले बारा, हम बोल के फंस जाई बिहान वाला सरकार, आई गार में बांस करके ले जाई जेल, तेलैया करी तो तू आई बचावे लबरई के बाजार के ले बारा। आपका अधिकार है, आप वोटर है, आप वोट दिए सरकार को, बोलिए। हमको कुछ नहीं बोलना है, हम गरीब आदमी है, सब सरकार जिंदाबाद है, जाइए यहाँ से। ओ सर, चलिए यहाँ से। कथी ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं, ये सब खाली मीट भात खाने के फेर में रहता है। वेरी नाइस। आदमी से सरकार बोले हैं तो हमको मारने लगा है, बताइए। हाथे मार रहा था तो ठीक है, कहीं लथियाने लगता हमको तब तो मैंने काट लिए लगेगा। चलिए आगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, फिर से आप सबको कल तक भोजपुरी में स्वागत है। हम गारखा से सीधे वैशाली जिला के एक भोसरीपुर में पहुंच चुके हैं। वेरी नाइस। रहेगा चुनाव पे और सरकार के कामकाज पे, तो भोसरी वाले चाचा झींगा सानी, बहुत अच्छे झींगा सानी जी। चलिए सीधा सरकार के कामकाज पे बात करते हैं, कैमरा मैन। चलिए झींगा सानी पे कैमरा का फोकस लगाइए। और झींगा सहनी जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपके मोहल्ले में नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, नहीं लगा है। अरे आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं झींगा सहनी जी, हम तो पूरे रास्ता में देखते हैं कि नल जल का पूरा काम हुआ है, नल लगा हुआ है। लगने से होगा कि नल में जल चाहिए। बराबर नहीं, नहीं मिलता है जल। चलिए कहाँ मिलता है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। पानी अभी नहीं करता है नल में, 5 मिनट आता है 24 घंटा में, तो लेटरिंग करने जाते हो तो छिछिरिया करने का नौबत आ जाता है। ही है ना? हाँ, जैसे ही धोने जाते हैं पानी भाग जाता है। हाँ पिए हैं। अरे लेकिन बिहार में तो दारू बंद है, आप कैसे पिए हुए हैं? आप थोड़ी ना, हम व्यवस्था कर लेते हैं। कौन बेचता है दारू बताइए, अभी उसको हम टेलवाते हैं। है थोड़ी ना, आप अपना काम कीजिए, हम पी लेते हैं ना बस। तो ये है झींगा सहनी, ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से दारू जुगाड़ कर लेते हैं। आखिर ये दारू कौन बेच रहा है, कौन है दारू माफिया? लगातार फोकस कीजिए कैमरामैन, इसी बात पर चर्चा होगी आज। सर सुनिए ना सर, जब से दरुआ वाला बतवा पे स्टार्ट किए हैं तब ही सर कैमरा का बैटरिया बैठ गया था।
अब इसमें खराब लगने वाला कौन बात था, चुतिया है क्या आप? आए कितना बढ़िया व्यवस्था वगैरह लगा चाचा के टेलवा के। पूछिए ना झींगा सहनी जी, आप जो दारू पर बात बोले थे आप फिर से बोल सकते हैं? बाप का नौकर है क्या आपका? एक ही बात का 10 बार रोटा गया, नहीं बोलेंगे हम एक ही बात बोलते हैं। जाइए। और दिखाई कौन ये साले, तो ऐसा को झाट ना उखड़ी साले पाप देखो हई दे ना रही तो साले पकला गुरा लगे मर जाबो। तो फिर से एक बार पहुंच चुके हैं लालटेनगंज। ये वही लालटेनगंज है जहां पे एक गाना बना था लालटेन वाला, उसे लालटेन जला रहे हैं और आज भी लालटेन जलाते हैं। तो चलिए सीधे सरकार के कामकाज के बारे में जानते हैं। तो यहां पर विकास रोता नजर आ रहा है। तो चलिए यहां पर एक विकास हुआ है, यहां पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है। मैं कैमरा मैन से दरखास्त करूंगा कि आप पोल पर फोकस करें ऊपर। तो देखा आप लोगों ने, ई है हमनी के बिहार जहां पर बिजली के खंभा लागल बा लेकिन तार नहीं खे लागल। मटिया